वेलकम टू सीजन प्लेस एंड आज का वीडियो होने वाला है हमारा माइनक्राफ्ट के न्यू स्नैपशॉट के बारे में। तो 1.20 का फर्स्ट स्नैपशॉट जिसका हम कब से वेट कर रहे थे वो आ चुका है एंड इसमें हमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जिसे हम एक एक करके सबको ट्राई करेंगे वर्ल्ड में जाकर। एंड एक और न्यूज है, पहले क्या होता था जब से 1.20 अपडेट आने वाला है तो सब फीचर्स उसमें आने चाहिए थे, जैसे 1.19 में एक साथ सब फीचर्स आए, बट अब से ऐसा नहीं होगा। अब से क्या होगा, जो ये फीचर्स आ चुके हैं उसे 1.19.3 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। हम 1.20 के आने से पहले ही कैमल के ऊपर राइड कर पाएंगे। चलो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको ये स्नैपशॉट खेलना है तो आपको क्या करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा इंस्टॉलेशन पर और वहां पर आपको एक न्यू इंस्टॉलेशन करना होगा। देन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो लेटेस्ट स्नैपशॉट 22W42A एंड फिर आप उसका क्रिएट कर दो और फिर इसको जाकर आपको प्ले करना है एंड आप उस स्नैपशॉट को खेल पाओगे। अभी आपका स्टार्टिंग स्क्रीन आ जाएगा तो आपको सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में जाना है और एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना है। देन इसको आप क्रिएटिव में कर लो और डाटा पैक, इसमें आपको डाटा पैक डालना होगा। डाटा पैक में दोनों जो होंगे इसको इस तरफ कर देना, सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद डन कर देना। और इधर ही आपको बोलेगा कि एक्सपेरिमेंटल फीचर्स की वार्निंग आएगी आपको, तो आपको उसको प्रोसीड करना है। तो अब हम जो वर्ल्ड क्रिएट करेंगे उसमें वो सारे फीचर्स आ जाएंगे। चलो अब एक एक करके हम जो भी स्नैपशॉट में नए फीचर्स आए हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले चेंज तो आपको देखने को मिलेगा आपकी क्रिएटिव इन्वेंट्री में। पहले यहाँ पे ये एग वाला कॉलम नहीं था, ना ये इंगेट वाला था क्राफ्टिंग का, अब ये दो एक्स्ट्रा आ गया है। इसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएगी जिससे आप चीजें क्राफ्ट कर सकते हो। एंड देन सेकंड है ये स्पोन एग, जिसमें से आप इजिली कोई भी एग को ले सकते हो। वैसे तो दो कॉलम्स और है तो इसमें भी थोड़े से ऑप्शंस ऐड कर सकते थे वो, और इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी। वैसे और ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा बट ये भी सही है, शायद बाद में कभी कर दें वो ऐसा। अब हम देखते हैं कि इन गेम क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं। तो सबसे पहले ऐड किया गया है साइन बोर्ड को। पुराने वाला साइन बोर्ड तो है ही, जो हमारा नॉर्मल था वो तो है ही, लेकिन अब हम एक नए तरीके का साइन बोर्ड बना सकते हैं जिसको हम हैंग कर सकते हैं, बट इसको बनाना थोड़ा सा कॉस्टली है। पहले वाला साइन बोर्ड के लिए हमें सिर्फ 6 प्लैंक चाहिए होते थे और एक स्टिक, उससे हमें मिल जाते थे 3 साइन बोर्ड, मतलब कि 2 प्लैंक से हमारा एक बन जाता था। लेकिन अब जो नया साइन बोर्ड है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए स्ट्रिप्ड ओक लॉग, मतलब कोई भी हमें लॉग चाहिए जो स्ट्रिप्ड हो, साथ में 2 चेन्स। इनसे मिलते हैं हमें 6 साइन, एक तरह से हमारे 4 प्लैंक में एक साइन बन रहा है जबकि यह हमारा सिर्फ 2 प्लैंक में बन जाता है। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो होने वाला है लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप इस साइन बोर्ड को सब वेराइटी के वुड से बना सकते हो। और जो ये आपको नए वाला दिख रहा है ना, ये हमारा बैम्बू साइन बोर्ड है। तो यस, अब हम बैम्बू से बैम्बू ब्लॉक्स बना सकते हैं। फाइनली हम अपने AFK बैम्बू फार्म्स बनाकर बहुत सारा वुड इकट्ठा कर सकते हैं। अब इन साइन बोर्ड को आप अलग अलग तरीके से हैंग कर सकते हो। एक तो ये नॉर्मली आपने ऐसे हैंग कर दिया है, देन अगर आपको साइड वे हैंग करना है तो आप साइड वे भी ऐसे हैंग कर सकते हो, और अगर आपको इस तरफ लिखना है तो आपको ये इसका सेंटर है तो आप इस तरफ जाकर उसको प्लेस करोगे तो इस तरफ आ जाएगा लिखा हुआ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने इधर लिख दिया, अगर आप इसके इस तरफ जाकर दूसरी डायरेक्शन में जाकर प्लेस करोगे तो दूसरी डायरेक्शन में लिखा आ जाएगा। तो आपको देखना होगा कि आपको कहाँ लिखना है, दोनों साइड नहीं आएगा। देन अगर आपको इस साइन बोर्ड को ऐसे प्लेस नहीं करना है कि ये 2 चेन्स दिखे, तो आप शिफ्ट कर इसको प्लेस करोगे तो ये दोनों चेन आपस में जुड़ जाएंगी, और अगर फैंस पे आप बिना शिफ्ट के भी लगाओगे तो वो ऐसा ही लगेगा ट्रायंगल वाला। और इस साइन बोर्ड की सबसे अच्छी बात क्या है, आप इसको एक के नीचे अलग अलग हैंग कर सकते हो, तो इसको हम डेकोरेशन के लिए भी मस्त यूज कर सकते हैं। एंड एक ही डायरेक्शन में प्लेस करना भी जरूरी नहीं है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो हमने ऐसे प्लेस किया, देन हम चाहते हैं ऐसे प्लेस करना, तो अलग अलग डायरेक्शन में आप इसको प्लेस कर सकते हो, तो इससे काफी अच्छी डेकोरेशन भी हो सकती है। और शॉपिंग एरिया में जब आप अपने वर्ल्ड में शॉपिंग एरिया बनाओगे उधर का लुक तो एकदम चेंज होने वाला है इन साइन बोर्ड से। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे फीचर की तरफ जो कि है हमारा बैम्बू। तो फाइनली हम बैम्बू का यूज कर बैम्बू ब्लॉक्स बना सकते हैं। ये देखो इतने ये सब चीजें हम बना पाएंगे उनसे, और बैम्बू ब्लॉक बनाना बहुत ईजी है। आपको बस 4
चाहिए बैम्बू और उससे आपको मिल जाएगा बैम्बू का प्लैंक। ठीक है, देखो इससे हम ये प्लैंक है, बैम्बू प्लैंक, देन ये बैम्बू स्लैप है, फिर उससे हम स्टेयर्स भी बना सकते हैं, फिर हम इसका फेंस बना सकते हैं, फेंस गेट बना सकते हैं, फिर हमारा डोर और ये ट्रैप डोर। ट्रैप डोर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, और ऐसा जैसे जाली टाइप से लग रहा है, और फिर बटन, देन प्रेशर प्लेट भी बना सकते हैं, और हमारा एक और नया चीज राफ्ट। तो बैम्बू से हम बोट नहीं बना सकते, लेकिन हम इससे राफ्ट बना सकते हैं। तो फाइनली माइनक्राफ्ट में राफ्ट ऐड हो गया है, जो कि बोट से पहले आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से तो। और इसको हम राफ्ट विद बोट भी बना सकते हैं, इसको जैसे ही हम पानी में प्लेस करते हैं तो ये आधा अंदर चला जाता है, और अब मस्त लग रहा है ना, और इसमें दो लोग बैठ सकते हैं, एंड एनिमल्स भी आई थिंक कैरी कर सकते हैं। चलो हम ट्राई करते हैं किसी एनिमल को इस पे बिठाने का। यस, हम इसके ऊपर एनिमल्स को भी बिठा सकते हैं और उन्हें मस्त लेकर जा सकते हैं। स्पीड मुझे बोट जैसी ही लग रही है, बस हम इसे बैम्बू से बना सकते हैं। बैम्बू से हम एक और तरीके का ब्लॉक भी बना सकते हैं, मतलब बैम्बू से नहीं, बैम्बू प्लैंक से, जो कि है हमारा बैम्बू मोसेक। एंड इसको बनाना भी बहुत इजी है, इसके लिए आपको सिर्फ दो बैम्बू के स्लैब चाहिए ऊपर और नीचे लगाने, उससे आपको मिल जाएगा बैम्बू मोसेक। एंड इसका यूज करके भी स्टेयर्स और स्लैब बना सकते हो, तो जो इससे हम घर बनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बैम्बू से हम मस्त घर बना सकते हैं, और पहली बार है कि हम वुड में दो तरीके के ब्लॉक्स बना सकते हैं, वरना बाकी ब्लॉक्स में तो होता है लेकिन वुड में ऐसा नहीं था। और हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक अच्छा अलग से इसको ग्रेडियंट दे सकते हैं, देन एक से छत बना लिया या एक से फ्लोरिंग बना लिया, वैसा भी कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी पसंद आया ब्लॉक, इसके साथ भी कितना अच्छा जा रहा है, एक तो ना ये हर कलर के साथ ऐसा लग रहा है मुझे अच्छा जाएगा। अभी देखो इसके नीचे प्लेस करके देखते हैं, तो ये कलर बहुत अच्छा है, सब कलर के साथ जा रहा है, सबके साथ मैच हो रहा है ये। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि होने वाला है आप सबका भी फेवरेट। नेक्स्ट चीज जो ऐड हुई है वो है कैमल, तो अब आप कैमल पे भी राइड कर पाओगे, और वो भी सिंगल नहीं डबल, मतलब कि एक कैमल पे दो लोग बैठ सकते हैं। एंड ये दिखने में भी कितना क्यूट है, और ये इसका छोटा सा बच्चा, और पूंछ, इसका पूंछ का एनिमेशन देखो कंटिन्यूस मूव होता रहेगा जब ये चलेगा, और आप इसको ऐसे ही बैठ सकते हो, टेम करने की इसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको इसको कंट्रोल करना है, अभी अपनी मर्जी से चल रहा है, अभी मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो आपको इसको सेटल देना पड़ेगा। अब मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, कहाँ मुझे जाना है कहाँ नहीं जाना, देखो। एंड स्पीड इनका इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इससे एक चीज़ कर सकते हैं, वो है डैश, और वो कैसे करना है वो मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हम हॉर्स कूदते हैं ना, सेम तरीके से ये डैश करता है, बस ये कूदेगा नहीं, ये डैश करेगा, ये मतलब कि आगे चला जाएगा थोड़ा, जैसे कि अगर हम इधर हैं और हमें उधर क्रॉस करके जाना है, तो ये डैश करके इजीली इतना दूर जा सकता है, देखो काफी दूर जा पा रहा है ये डैश करके। इधर से हम करते हैं, अरे ये तो ऐसे ही उतर गया। ठीक है, अब हम डैश करते हैं, तो देखो कितना दूर तक ये आ गया है। तो अगर आपको कोई रिवीन मिलती है रास्ते में, तो इजिली आप उसे क्रॉस, तो आप उसको इजिली क्रॉस कर पाओगे। और इसके कान कान ही लाता है ये। और देखो मेरे पीछे देखो, एक सीट खाली है ना, तो इस पे एक और इंसान बैठ सकता है, तो एक कैमल पे दो लोग बैठ सकते हैं, सैडल लेकिन एक ही लगेगा, लेकिन दो लोग बैठ सकते हैं। अब आती है कि ये खाएंगे क्या, इनको ब्रीड कैसे कराना है, तो आपने सोचा नहीं होगा कि ये क्या खाएंगे, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये चीज़ खाएंगे, बट ये खाने वाले हैं कैक्टस। तो अगर आपको इनको ब्रीड कराना है, देखो कैक्टस देखकर मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं ना भाग कर, तो अगर आपको इनको ब्रीड कराना है तो आपको चाहिए कैक्टस। अभी इन दोनों को ब्रीड कराते हैं हम, इसको भी, एंड हमें मिलने वाला है, कहाँ गया, एक छोटा सा और कैमल, और ये बैठते कैसे, सीधा पैर करके,
ये शायद काफी रेयर होंगे, पता नहीं, देखते हैं, वो तो हमें अपडेट आने पर ही पता चलेगा। चलो अब हम बढ़ते हैं इसके एक और फीचर की तरफ, जो कि बहुत पहले ऐड हो जाना चाहिए था बट अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो लास्ट फीचर है हमारा एक नई तरीके का बुक शेल्फ। पहले आपने ये नॉर्मल बुक शेल्फ तो देखा होगा जिसके अंदर हमारी ये नकली बुक्स लगी थी, हम इसमें से कोई बुक निकाल नहीं सकते या रख नहीं सकते। बट अब आपको माइनक्राफ्ट में मिलने वाला है एक नया बुक शेल्फ जिसमें हम बुक्स भी रख सकते हैं। तो इसके अंदर हम कोई भी बुक्स रख सकते हैं, लेकिन वो दिखेंगी ऐसे नॉर्मल ही। आप उसमें एन्चेंटेड बुक रखो या फिर आप नॉर्मल बुक्स भी रखोगे तो वो सेम ही दिखेंगी। इसमें और उसमें देखो कोई अंतर नहीं है, तो बुक्स का टेक्सचर सेम रहने वाला है। एंड अगर आपको इसमें से निकालना है, जब भी आपको ऐसा एक एक करके निकाल पाओगे और लास्ट वाली ही निकलेगी। आप कहीं भी क्लिक करो, जो लास्ट की बुक होगी वही निकलेगी। तो आप अब बुक शेल्फ में भी अपनी बुक्स को सॉर्ट कर सकते हो। एंड इस बुक शेल्फ को आप रेडस्टोन सिग्नल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अभी देखो इधर मैंने बुक शेल्फ लगाया है, लेकिन ना थोड़ा सा ग्लिच है अभी इसमें, कुछ इसमें चेंजेस करने हैं। क्योंकि ना अभी मैंने इसको प्लेस किया है तो देखो इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। बट अगर हम इसको एक बार यूज कर लेते हैं, देखो अभी एक तक गया वो। जैसे जैसे मैं इसमें बुक्स बढ़ाऊंगी तो देखो रेडस्टोन सिग्नल लंबा होता जाएगा, 3 तक 4 तक 5 तक 6 तक। ओके, लेकिन अब मैं इसमें से देखो बुक्स निकालती हूँ, तो एक मैंने निकाला, उसमें देखो कुछ कम नहीं हुआ। दूसरा निकाला जब जाके एक कम हुआ है, और तीसरा निकाला जब एक कम हुआ। अभी देखो मैंने इसमें से 4 निकाले, उधर सिर्फ 3 ही कम हुए हैं। और अब इसमें से मैं 4th 5th निकालूंगी तो इधर 4 कम हो गए, 10th 6th निकालूंगी तो इधर तक एक सिग्नल इसमें ऐसे का ऐसा रहता है, पता नहीं क्यों। और ऐसा नहीं है कि इसको हम हटाएंगे, अभी देखो मैं इसको ना हटाकर वापस लगाऊंगी जब भी वो सिग्नल आ रहा है। तो एक बार जब हम इसको यूज कर लेते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा सिग्नल वहां पे दे रही है हमेशा के लिए बुकशेल्फ, तो वो शायद हो जाएगा बाद में सही। देन इसको हम डोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे होल बना है, कोई बता सकता है इधर कहीं डोर है? तो कोई बता ही नहीं पाएगा। अभी देखो अब जैसे ही मैं इसमें बुक रखती हूँ, सॉरी बुक्स तो रखने से बंद हुआ है ना, बुक निकालना है मुझे। अब इसमें से मैंने बुक निकाला तो ये हमारा डोर खुल गया। तो इससे हम इजिली पिस्टन वाले डोर्स भी बना सकते हैं, देन अंदर से आके उसको रख सकते हैं। अब ये मत बोलना ये सब तो दिख रहा है, वो मैंने अभी ऐसे ही बनाया, आप इसको हाइड करके अच्छे से बना सकते हो। इसमें भी थोड़ा सा ग्लिच है अभी वैसे, देखो अभी मुझे अभी मैंने देखो एक बुक निकालूंगी लास्ट वाली जब जाके वो ओपन हो रहा है, लेकिन बंद करने के टाइम पे ना एक बुक से वो बंद नहीं हो रहा है, मुझे 2 बुक्स रखने पड़ रही हैं उसी ग्लिच की वजह से, जो मैंने वहां पे आपको दिखाया ना कि इसमें ग्लिच हो रहा है ये वाला सिग्नल का लेंथ में, तो उसी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन वो हो जाएगा फिक्स। बाकी आप देख सकते हो मैंने कैसे बनाया इसको, ऐसे बुकशेल्फ के बीच में छुपा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वाली बुकशेल्फ में लगाना है। कोई सोचेगा इसमें तो नहीं लगाना, कोई सोचेगा इसमें तो नहीं लगाना, तो इसलिए हम इसकी मदद से सीक्रेट बेसिस बना पाएंगे। तो आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस स्नैपशॉट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करो ताकि सबको पता चल सके कि क्या क्या फीचर्स ऐड हुए हैं। और अगर न्यू हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही अगला स्नैपशॉट आए आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड हमारे चैनल पे मेंबरशिप भी खुल चुकी है तो आप उसको भी ले सकते हो, एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे इमोजीज को यूज कर सकते हो। तो आज के लिए बाय बाय।